क्या आपने कभी कुछ ऐसा बेचा है जो आप ओन ही नहीं करते? सुनने में अजीब लगाना, बट इट इज एक्चुअली पॉसिबल इन द शेयर मार्केट। कैसे, जानने के लिए यू विल हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। हेलो एंड वेलकम टू आईएनडी लर्न। इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग, इंश्योरेंस या टैक्सेशन, वी हैव 5 मिनट कोर्सेज पर्सनल फाइनेंस के कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। Bringing to you IND Learn, जहां आप 5 मिनट में free financial courses complete कर सकते हैं and also get certified, that too for free. इस कोर्स में we have already covered the introduction to intraday trading, margins and returns, intraday strategies, types of intraday orders and also practiced virtual trading, जिनके वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. But you are still left with short selling, so let's get to it. और कोर्स कंप्लीट करके अपना सर्टिफिकेट लेना मत भूलना. The certificate's link is in the description and the pinned comment. So what exactly is short selling? क्या ये हमें market के risk से बचा सकता है? इससे apply कैसे करते हैं? Too many questions, but we'll answer all of them right here. अब आप short selling तब करते हैं when you feel that the stock price will fall. इस स्ट्रैटेजी में आप स्टॉक्स बोरो करते हैं फ्रॉम योर ब्रोकर, सो टेक्निकली यू डोंट ओन दी स्टॉक्स. फिर आप वो बोरोड स्टॉक्स सेल कर देते हैं जस्ट बिफोर यू फील दैट इट विल फॉल इवन फर्दर. सो यू सेल द स्टॉक एट अ हायर प्राइस. फिर जब प्राइस कम हो जाता है यू परचेज इट, देन रिटर्न इट टू द ब्रोकर एंड प्रॉफिट फ्रॉम द प्राइस डिफरेंस. है ना इंटरेस्टिंग? किसी और की चीज सेल करके प्रॉफिट कमाने की ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली डेट्स बैक टू द 1600s. डच मार्केट में ट्रेडर्स ट्यूलिप बल्ब्स बोरो करते थे एंड यूज टू सेल देम विद द एक्सपेक्टेशन कि उसका प्राइस ड्रॉप हो जाएगा सून आफ्टर सेलिंग, अलाउइंग देम टू रीपर्चेज द बल्ब्स एट अ लोअर कॉस्ट. दिस वाज कॉल्ड ट्यूलिप मैनिया. और सेम टेक्निक को आज स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग कहते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. नीलम स्पेक्युलेट्स कि एक ऑटो स्टॉक विल फॉल फ्रॉम द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ ₹200 इन 10 डेज पोस्ट द डिस्क्लोजर ऑफ इट्स क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. Assuming that she borrows 50 shares and sells them in the market at the current price of ₹200. अब दो scenarios possible हैं. पहला कि 10 दिन बाद the stock price begins to fall and drops to ₹150. She then repurchases 50 shares at ₹150 and returns them to the broker. Thus theoretically she makes a profit of ₹2500, that is 50 shares multiplied by ₹50 profit each. Second scenario would be कि 10 दिन बाद the stock price rises and reaches to ₹230 because the company gets acquired by a big company. To close her position, she needed to buy 50 shares at ₹230. Thus, she incurs a loss of ₹1500. तो इसका मतलब है कि short selling में profit या loss का decision depend करता है आपके buyback price और selling price के बीच के difference पर. अगर वो difference positive है, तो आपको profit होगा और अगर negative है, तो loss. इस स्ट्रैटेजी के एडवांटेजेस ऑफ कोर्स है, इसलिए 1600s की ये पुरानी स्ट्रैटेजी अभी भी यूज करी जा रही है बाय ट्रेडर्स. सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स एडवांटेजेस. वेल फर्स्ट इज प्रॉफिट फ्रॉम फॉलिंग प्राइसेस. जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तब शॉर्ट सेलिंग से आपको प्रॉफिट मिल सकता है. फॉलिंग प्राइसेस सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू बुक प्रॉफिट्स थ्रू शॉर्ट सेलिंग. सेकेंड इज डाइवर्सिफिकेशन. शॉर्ट सेलिंग आपको अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को डाइवर्सिफाई करने में मदद करता है. राइजिंग और फॉलिंग मार्केट्स दोनों में प्रॉफिट जनरेट करने का मौका भी मिलता है. थर्ड इज हेजिंग. ये टर्म तो आपने बहुत मूवीज में सुना होगा. रिमेंबर द बिग शॉट. शॉर्ट सेलिंग आपको अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को हेज करने में भी मदद करता है. अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक्स हैं तो शॉर्ट सेलिंग से आप फॉलिंग मार्केट के रिस्क को मैनेज कर सकते हैं. इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस, सो स्टे ट्यून्ड. अब प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज के होते हैं, वैसे ही शॉर्ट सेलिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं दैट यू मस्ट टेक केयर ऑफ व्हाइल अप्लाइंग दिस स्ट्रेटजी. फर्स्ट इज हाई लॉस पोटेंशियल. शॉर्ट सेलिंग में लॉस का पोटेंशियल ज्यादा होता है. अगर प्राइस अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज हो जाए तो आपको सब्सटेंशियल लॉस का रिस्क हो सकता है. सेकेंड इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. शॉर्ट सेलिंग के लिए आपको ब्रोकर से शेयर्स बोरो करने पड़ते हैं एंड यू कैन इजीली डू दिस विद योर ट्रेडिंग अकाउंट. इस प्रोसेस में मार्जिन लेवल मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट होता है.
अगर शेयर प्राइस आपकी प्रिडिक्शन के ऑपोजिट मूव करता है तो आपको एडिशनल पैसा डिपॉजिट करना पड़ सकता है, जिसे मार्जिन कॉल कहते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड एडिशनल कॉस्ट इंट्रोड्यूस कर सकता है और रिस्क बढ़ा सकता है। थर्ड इज टाइमिंग एनालिसिस। शॉर्ट सेलिंग में टाइमिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। मार्केट काफी अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को एक्यूरेटली डिटरमाइन करना क्रूशियल होता है। हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अपने रिस्क होते हैं, एंड द सेम इज एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट सेलिंग टू। आपको मार्केट कंडीशंस और अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से स्मार्टली ट्रेड करना चाहिए। एंड बिफोर यू बिगिन ट्रेडिंग इन रियल लाइफ, यू कैन प्रैक्टिस इट वर्चुअली विद इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स ऑन IND लर्न। द कोर्स लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। जस्ट कंप्लीट अ सिंपल क्विज, आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस इन 5 मिनट्स एंड गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। सर्टिफिकेट को आप अपने सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ लिंक्डइन पर भी शेयर कर सकते हैं। देर आर ओवर 15 फाइनेंशियल कोर्सेज यू कैन लर्न फॉर फ्री एंड ग्रैब योर सर्टिफिकेट्स। 4 lakh पीपल हैव ऑलरेडी टेकन दीज कोर्सेज एंड वी वुड लव फॉर यू टू ग्रो योर फाइनेंशियल नॉलेज विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑन IND लर्न। द सर्टिफिकेट लिंक इज इन द पिंड कॉमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बिलो। स्टिल हैव अ फ्यू क्वेश्चंस or want to know more about intraday trading? Tell us in the comment section below and subscribe to our channel. We will see you in the next one.